उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं, जिसमें भारी मतों के साथ भाजपा ने जीत दर्ज की है। वहीं बागेश्वर जिले के कपकोट से भाजपा प्रत्याशी सुरेश गड़िया ने भी कांग्रेस के ललित फर्सवाण को लगभग 4000 वोटों से हराते हुए अपनी जीत दर्ज की, जिसके बाद से ही भाजपा के पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर नारेबाजी करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। वहीं इस मौके पर सभी ने पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। सर्वप्रथम मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए एक बार पुनः अपने उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और परचम वोटों से हम लोग यहाँ पर विजयी हुए। और एक बार मैं पुनः इस क्षेत्र में भी जो हमारे प्रत्याशी सुरेश गड़िया जी थे वो भी यहाँ पर अच्छे वोटों से यहाँ पर विजयी हुए और हमें आशा है कि वो आने वाले समय में हमारे इस कांडा क्षेत्र और कपकोट विधानसभा क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास करेंगे। बागेश्वर जिले के कांडा में आज कई स्कूल में वन विभाग धरमघर रेंज के डिप्टी रेंजर कैलाश चंद्र जोशी की अध्यक्षता में वनाग्नि सुरक्षा गोष्ठियों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के जरिए सभी लोगों को जंगलों को आग बचाने के लिए जागरूक किया गया। वहीं विभाग की ओर से लगातार वन पंचायतों और ग्राम समितियों के साथ बैठक का आयोजन कर आग से होने वाले नुकसान के बारे में लगातार बताया जा रहा है। मैं कैलाश जोशी, उपराजी के धर्मगढ़ रेंज, बागेश्वर डिवीजन। अभी हमारा एक ये फायर सीजन का जो है मुहिम चला हुआ है कि प्रत्येक गांव में हम ग्राम समिति का गठन कर रहे हैं, प्रत्येक विद्यालय में हम जो है आपका इस फायर सीजन का जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी तक हमने लगभग जो है 15 से 20 ग्राम सभाओं में और ऐसे ही 4-5 जो है विद्यालय में हमने जो है क्या नाम कहते हैं इस फायर के संबंध में प्रचार प्रसार किया है। बागेश्वर जिले में गरुड़ के गागरी गोल पुरड़ा स्थित खेल स्टेडियम में युवा कल्याण विभाग की ओर से क्षेत्र के अंडर 14 में आने वाले 30 युवा प्रतिभागियों को मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान ट्रेनर ममता नगरकोटी ने बताया कि प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर रहे प्रतियोगियों को खेल की बारीकियां समझाई जा रही है। वहीं प्रतिभागियों ने पुरड़ा मिनी स्टेडियम में चेंजिंग रूम के साथ ही कूड़ेदानों की व्यवस्था करने की मांग की। मैं युवा कल्याण गरुड़ की तरफ से बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण मिल रहा है 20 दिन के लिए और बहुत ही अच्छा सिखाया जा रहा है। जो हमारी मैम है वो भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमें यहाँ फील्ड में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है जो कि टॉयलेट के लिए है और लेडीज़ की भी बहुत दिक्कत है, उनके लिए चेंजिंग रूम नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत दिक्कतें आ रही, ना हमारे पास वॉलीबॉल किट्स विट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे एक्सरसाइज करने आते हैं और यहाँ पे मैम हमको ट्रेनिंग भी सिखाती है और हमें यहाँ पे मतलब बहुत लाभ होता है। कबड्डी, खो खो, दौड़ सब सिखाती है मैम हमको। युवा कल्याण गरुड़ विभाग की वजह से हमें निशुल्क खेलने का मौका दिया जा रहा है और हमें बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दी जा रही है। पर मेरी एक मांग है कि हमारे जो एक फील्ड है, एकमात्र पुरड़ा फील्ड जिसमें हम बड़े ग्राउंड की मांग करें, तो उसमें एक चेंजिंग रूम का हमको एक कमरा उपलब्ध कराएं जो यहाँ गर्ल्स के लिए नहीं है। 20 दिन का इनका प्रशिक्षण के लिए आ रहा है तो मैं इनको ट्रेनिंग कराती हूँ। इनको वार्म अप एक्सरसाइज हो गया, कबड्डी हो गया, रेसिंग वगैरह की ट्रेनिंग देती हूँ। 20 दिन का प्रशिक्षण है, इसमें 30 बच्चों ने प्रतिभाग किया है। गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है, इनकी ट्रेनिंग, रहना खाना पीने की सब व्यवस्था इसमें है, बट यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, रूम की फैसिलिटीज वगैरह नहीं है, तो काफी सारी दिक्कतें आती हैं। बागेश्वर जिले के गरुड़ में आज भाजपा समर्थकों ने विधायक चंदन राम दास की जीत के जश्न में भव्य रैली निकालकर लोगों का आभार जताया। इस दौरान लगातार चौथी बार विधायक बने चंदन राम दास ने कहा कि इस जीत को वे कार्यकर्ताओं के चरणों में समर्पित करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्रीय नेतृत्व ने चौथी बार उन्हें प्रत्याशी घोषित किया था और कार्यकर्ताओं की मेहनत से उन्होंने चौथी बार भारी बहुमतों से जीत हासिल की। प्रदेश का नेतृत्व और जनपद के नेतृत्व ने उस पर यह विश्वास जताया था कि यदि इस कार्यकर्ता को चौथी बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाएंगे तो अवश्य जीत हासिल होगी और ये करके दिखा दिया है भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने कि कतुर घाटी सहित, बागेश्वर सहित बहुत बम्पर 12,141 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चौथी बार जो विश्वास जताया है अपने केंद्र के नेतृत्व का, अपने प्रदेश के नेतृत्व का,
अपने ज़िले के नेतृत्व का। और जो ये जीत है, चूँकि मैं अस्वस्थता के कारण लोगों के बीच में कम जा पाया, इसलिए इस जीत को मैं अपने कार्यकर्ताओं के चरणों में समर्पित करता हूँ। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से उन तमाम मतदाताओं का और अपने तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इस, क्योंकि माननीय विधायक जी का स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी वो क्षेत्र में नहीं जा पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे इस क्षेत्र की लोकप्रिय जनता ने, हमारे लोकप्रिय कार्यकर्ताओं ने, देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने एक भारी बहुमत से माननीय विधायक जी पर विश्वास जताया है।